अच्छा सर, हमारा कोई उस्ताद है, कोई बड़ा है, सर हम अदब से हाथ बांधते हैं, ये दुनिया में सर जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि उसकी तारीख बड़ी पुरानी है सर, दुनिया में बड़े ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कहने के लिए बॉडी लैंग्वेज चाहिए, अदरवाइज वर्ड का असर ही कोई नहीं है सर। अदब सर जितना मर्जी इंसान ज़ुबान से कर ले, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज है, सबमिसिव जो है सर वो सिम्बॉलिक दिखता है, ये बंदा जो है उसकी तस्वीर बता देती है, उसका हुलिया बता देता है, उसकी निगाहें बता देती हैं, ये मुअद्दब है सर। लेकिन सर एक तबका ऐसा है सर जो कहता है कि ये तो शिर्क है, ये इस तरह का हाथ बांधना या इस तरह का अदब जो है वो तो जेब नहीं देता, ये सर इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? यानी एक मोहब्बत भी है लेकिन देखने वाला उस अकीदत को अकीदा समझ रहा है, कैसे मैनेज किया जाए इसे? मिस्र की एक सदर गुजरे हैं जिन्होंने बड़ा नाम पाया, जमाल अब्दुल नासर। ये जब हाथ मिलाते थे किसी फॉरेन डिग्नेटरी से या दूसरी हेड ऑफ द स्टेट से, तो ये बिल्कुल सीधे खड़े होके ऐसे हाथ मिलाते। नॉर्मली तो हम जस्ट टू शो रेस्पेक्ट थोड़े से बेंड होके हाथ मिलाते हैं। तो किसी ने इनसे सवाल पूछा कि आप जब किसी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट से हाथ मिलाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, इसकी क्या वजह है? कहा ये तकब्बुर में नहीं है बात, बात यह है कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मिस्र को और मैं नहीं चाहता मिस्र किसी के सामने झुके। मैं इसी की वजन पर एक बात ये अर्ज करूँगा कि मुसलमान सवाए रब के और किसी के सामने नहीं झुकता, मुसलमान सवाए रब ताला के और किसी के सामने आजी से हाथ बांध के नहीं खड़ा होता। मुसलमान का अपना एक प्राइड है, मैं प्राइड अच्छे मायने में कह रहा हूँ, तकब्बुर के मायने में नहीं कह रहा, वो ये कि मेरा रब सबसे आला है और सबसे ताकतवर है और मैं सिर्फ उसी का बंदा हूँ और किसी का नहीं। तो जिनको आप रेफर कर रहे हैं कि उनके नज़दीक ये शिर्क है, मैं उनको इस मामले में एक हद तक जस्टिफाइड समझता हूँ कि मुसलमान न किसी के सामने झुकता है न किसी के सामने हाथ बांधता है, वो सिर्फ रब के हजूरी झुकता है, रब के हजूरी हाथ बांधता है। जो बॉडी लैंग्वेज की बात की आपने, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज है। आप जुबान से एक लफ्ज़ बोले बगैर अपने मुखातिब को तमाम चीज़ कन्वे कर सकते हैं कि आपके दिल में, आपके जहन में उसके लिए क्या चल रहा है, रेस्पेक्ट है, मोहब्बत है, नफरत है, चिढ़ गए हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये फन अगर इंसान सीख ले कि उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी बजाय कन्वर्सेशन के ज़रिए कन्वे करने के, उसके जज्बात को कन्वे कर दे और कर देती है। ऐसे बड़े बड़े अच्छे लोग मेरी नज़र से गुजरे हैं जो बॉडी लैंग्वेज से काम ले जाते हैं। सर मेरा एक सवाल इससे थोड़ा सा अगले दर्जे का, सर उस्ताद का एहतराम करना जो कि बड़ा ही ज़रूरी है सर, इसका सर फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सर ये इंसान को खुद तय करना चाहिए, किसी किताब में मिल जाएगा, ये किसी तरबियत का नतीजा है? वालदैन का एहतराम क्योंकि वास्ता बहुत ज़्यादा है, थोड़े से हम कैजुअल हो चुके होते हैं सर उनके साथ, लेकिन जिसे सीखा होता है, बिलखसूस अगर कोई आपका स्पिरिचुअल मास्टर है, रूहानी उस्ताद है सर, तो आपका अदब एहतराम वो बड़ा मैटर करता है सर। यानी यहाँ तक कहा जाता है कि जिससे कुछ आपने सीखा है, अगर आप कैजुअल हैं तो वो जो सीखा है वो भी उसकी वैल्यू नहीं रही सर। तो वो अदब एहतराम का फॉर्मेट कहाँ से एक्वायर किया जा सकता है सर? ये कल्चर टू कल्चर वेरी कर जाएगा कि आप कैसे एहतराम करते हैं। ये जो आपने स्पिरिचुअल टीचर के एहतराम को रेफर किया, असल में हर चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें मशहूर होती हैं जिनमें से कुछ सच होती हैं, कुछ मिथ होती है। इस रूहानियत की राह में एक चीज़ वेल नोन है कि यहाँ अदब और एहतराम पहला करीना है, लेकिन यही चीज़ हमारे जो दुनियावी तालीम देने वाले
उस्ताद हैं उनके लिए भी उतनी ही सच है जितनी स्पिरिचुअल टीचर के लिए। इनका एहतराम किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ एहतराम के अंदाज मरवज हैं। एक तो जब भी हम अपने टीचर के सामने जाते हैं तो संजीदगी के साथ बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और निगाहें नीची रखते हैं। फिर टीचर के सामने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं हम करते हैं सर। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें अर्ज़ कर दूं कि ये जो ज़ाहरी रेस्पेक्ट है अच्छा है, अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दिल में रेस्पेक्ट है जिसका इजहार आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो जाता है वो ज़्यादा अहम है। वो एक जगह जाके बड़ा क्लियरली डेमोंस्ट्रेट हो जाती है कि अगर आपके टीचर ने कोई काम आपको ऐसा कह दिया जिससे आपकी अपनी मसरूफियत में खलल हो रहा है या आपके आराम में खलल हो रहा है तो उसके बावजूद आप उनकी बात को जब तरजीह दे देते हैं और अपना आराम छोड़ देते हैं, अपनी दिल पसंद मसरूफियत छोड़ देते हैं, सही सही उनकी बात मानते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाती ये बात कि यू रियली रिस्पेक्ट हिम। ये एक स्टैंडर्ड खास कह देना दुश्वार है कि वो माशरे के साथ साथ तब्दील होता जाएगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो मरवज है वो मैंने आपसे अर्ज कर दिया। तो जब आप रूहानी उस्ताद के सामने बैठे हैं तो आप जुबान नहीं खोलते, सिर्फ कान खुले रखते हैं, क्योंकि जब आप किसी रूहानी उस्ताद के सामने बैठे हैं वैसे भी अगर इंसान कान खुले रखने के बजाय जुबान खुली रखता है तो कहीं भी कुछ सीख नहीं पाता, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या रूहानी तालीम हो, फिर वो वहीं रहता है, बल्कि जो उसके पास है उसको खर्च कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन जो लोग जुबान बंद रखते हैं उस्ताद की मौजूदगी में, कान खुले रखते हैं और आंखें खुली रखते हैं, वो रफ्ता रफ्ता इतना सीख जाते हैं कि अंदर भर जाते हैं। रूहानी उस्ताद के सामने एक अदब का एक एडिशनल उसमें चीज़ है कि इंसान जुबान नहीं खोलता तब तक के उसको मुखातिब न कर लिया जाए।